सो हेलो एवरीवन, आज का जो डाइट प्लान मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इससे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होंगे आपके। क्या क्या बेनिफिट होंगे सबसे पहले वो बताता हूँ। सबसे पहले होएगा बेली फैट कम, दूसरा डाइजेशन आपकी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, तीसरा आपके जो ब्लोटिंग इश्यूज है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, वो भी ठीक हो जाएगी, और नेक्स्ट आपके जॉइंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, साथ में आपकी बोन डेंसिटी भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, इसे कहते हैं बोन मिनरल डेंसिटी BMD, और कहीं बॉडी के अंदर कोई पेन है वो भी ठीक हो जाएगा, और जिन लड़कियों को पीरियड्स की प्रॉब्लम है वो भी इससे ठीक हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कितनी सारी चीजें हो जाएंगी ये डाइट फॉलो करने से, और कौन कौन से लोग ये डाइट चार्ट फॉलो कर सकते हैं। जो मैंने अभी आपके साथ प्रॉब्लम शेयर किए इनमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो आप डाइट चार्ट फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले आपको बताता हूं जिनके लिए मैं डाइट प्लान करने जा रहा हूं, वो मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनका मुझे कमेंट आया था, तो उनको ये सारी प्रॉब्लम्स थी, एंडोमेट्रोसिस, ब्लोटिंग, गैस्ट्रिक स्ट्रेस हिस्ट्री, मेनिस्कस टियर ग्रेड 2, आर्थराइटिस, और बॉडी से फैट कम करना, तीन चीजों से स्पेशली बेली एरिया, हिप एरिया और थाई एरिया। सो डाइट बनाने से पहले इनका BMR चेक कर लेते हैं। BMR होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिससे आप चेक कर सकते हो किसी पर्सन को हम कितनी कैलोरीज दे सकते हैं। सबसे पहले इनकी एज फिल कर देते हैं, 22 इयर्स, जेंडर इनका फीमेल, हाइट इनकी 5 फीट 4 इंच, मतलब कि 162 सेंटीमीटर, वेट इनका 65 kg, और टोटल कैलोरीज आई हमारे पास 1392। तो कैलोरीज मैं ज्यादा डेफिसिट नहीं करूंगा, अराउंड 200 कैलोरीज ही मैं डेफिसिट करूंगा, तो टोटल डाइट चार्ट मैं बना रहा हूँ 1200 कैलोरीज का। तो अगर आप ये कुछ चीजें रिलेट कर पा रहे हो तो आप एज इट इज डाइट चार्ट फॉलो कर सकते हो, और वीडियो के एंड में मैं एक प्रो टिप दूंगा जिससे आप जल्दी ठीक हो पाओगे, गारंटेड, बस आपने वीडियो एंड तक देखनी है। तो डाइट शुरू करते हैं। सो सुबह 6:30 उन्होंने उठना है, और उठते सारी उन्होंने 1 glass water पीना, जस्ट वार्म वाटर, दैट्स इट। उसके बाद इन्होंने 30 मिनट्स धूप लेनी है, धूप लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी बॉडी के लिए, तो धूप आपने अराउंड 7-7:30 के आसपास ही लेनी है, ज्यादा लेट नहीं करना, 9-10-11 बजे, उस टाइम फिर यूवी रेस एक्टिवेट हो जाती है, वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। और उसके बाद मैंने प्लान किया आपका ब्रेकफास्ट 8:30, ब्रेकफास्ट में होंगे ओट्स 40 ग्राम, साथ में 1 glass milk, और साथ में कुछ बेरीज, और इसके ऊपर 1/2 spoon हरी। ओट्स आपने कैसे बनाने, 1 glass milk, अराउंड हैंडफुल आपने ओट्स डालने, उसको अच्छे से बॉयल करना है, जब वो फ्लफी हो जाए फिर इसके ऊपर आप बेरीज ऐड कर सकते हो, और 1/2 spoon honey ऐड कर सकते हो। बेरीज कौन सी, रैसबेरीज, ब्लूबेरीज, ये आप ऐड कर सकते हो, बेरीज आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि बेरीज में बहुत ज्यादा होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। और उसका सेकंड मील मैंने प्लान किया 11:30, इसमें होंगे फ्रूट्स प्लस ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स कौन से, पपाया, गावा एंड ऑरेंज, और साथ में 3 walnuts और 6 almonds, ये ओवरनाइट आपने सोक करके रखना है। और उसके बाद मैंने प्लान किया आपका लंच, लंच की टाइमिंग होगी 1:30, 2 chapatis, sabji, सैलड कर्ड, जो टिपिकल लंच होता है, बस आपने ध्यान रखना है जो चपातीज होंगी वो होंगी मल्टीग्रेन फ्लावर की, उससे आपकी बोन डेंसिटी और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, और साथ में सैलड आपने टोमेटो अवॉइड करना है, बाकी कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, बीटरूट, अनियन, और एक और चीज का आपने ध्यान देना, जो सब्जी होगी सब्जी के ऊपर आपने एक्स्ट्रा गार्लिक ऐड करना है, गार्लिक की जस्ट एक ग्लोब आप ऐसी नॉर्मल चॉप करके उसके ऊपर डाल सकते हो, और अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो भी आपने खाना, क्योंकि गार्लिक आपके लिए अच्छा है। और उसके बाद मैंने प्लान किया आपका मिड इवनिंग स्नैक अराउंड 5 o'clock, इसमें होगी 1 ginger lemon green tea, जिंजर लेमन ग्रीन टी मार्केट से मिल जाती है, नहीं तो आप घर पे भी नॉर्मल ग्रीन टी के अंदर जिंजर और लेमन ऐड कर सकते हो। इसके साथ जस्ट हैंडफुल रोस्टेड चिक पीस, मतलब कि जो चने होते हैं वो आपने ऐड करने, इसके अंदर आप ओनियन, लेमन, ग्रीन चिली ऐड कर सकते हो जैसा आपको सही लगे, और साथ में 6 fox nuts, फॉक्स नट्स को क्या कहते हैं हिंदी में, मखाने, यहाँ आपने 6 मखाने ऐड करने हैं। उसके बाद आपने करना है डिनर अराउंड 8 o'clock, इसमें आपने 2 चीजें ऐड करनी है, एक तो मिक्स वेजिटेबल्स, इसमें आप कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हो, कोई भी, ब्रोकली, स्पिनच, अनियन, बीन्स, पीस, बहुत सारी चीजें होती है जो आप खा सकते हो, इसको आपने सोटे करके खाना है, और साथ में सूप, पीनट सूप या मिक्स वेजिटेबल सूप, बट अगर 2 चीजें बनाने का आपका मन नहीं है तो आप दोनों को मिक्स करके भी खा सकते हो, नॉर्मल आपने जो वेजिटेबल्स खानी है उसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर लेना है, और आप सेमी ग्रेवी वेजिटेबल्स बना सकते हो इससे। तो ये था आपका डाइट प्लान, आई एम श्योर ये डाइट प्लान से आपका डेफिनेटली 1 week में ही फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा, अगर आप एज इट इज फॉलो करोगे। बट आपको मैं बताता हूँ, जितनी भी आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स है, हर पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर आपको कोई स्पेसिफिक फूड अवॉइड करना होता है, बट अगर हम सभी फूड अवॉइड करने लग गए तो हम खाएंगे क्या फिर। पर मैंने एक बैलेंस डाइट आपके लिए प्लान किया है, डिसेंट अमाउंट में सभी न्यूट्रिएंट्स मैंने ऐड किए हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे होंगे, तो विदाउट एनी डाउट ये डाइट आपने फॉलो करनी है, आई एम श्योर आपको बहुत ही अच्छा लगने लग जाएगा विद इन जस्ट 1 week। और इसके साथ आपने 3-4 liter वाटर इंटेक करनी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बस खाना खाने के साथ आपने पानी नहीं पीना, 20 मिनट का आपने ब्रेक देना है खाना खाने के बाद। अब बात करते हैं प्रोटीन की, जो मैंने बताया था वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो सिर्फ डाइट से आपकी सारी चीजें बेटर तो हो सकती है, पर 100% क्यों नहीं हो पाएंगी अगर आप ये चीज नहीं ऐड करोगे। कौन सी चीज, एक्सरसाइज, रीहैब एक्सरसाइज, एक तो आपने नी की रीहैब एक्सरसाइज प्लान करनी है, सिर्फ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज आपने करनी है नी की, वो आप गूगल कर सकते हो कौन सी होती है। अगर आप वॉक कर सकते हो विदाउट पेन तो दिन में आप 10,000 steps भी ऐड कर दोगे तो और भी ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। एग्जॉस्ट हो रही है बॉडी, डजंट मैटर, बट अगर पेन हो रहा है नी के अंदर, क्रोनिक पेन, तो फिर आपको
थोड़ी वॉक कम करनी होगी, बट अगर पेन नहीं हो रहा वॉक करते हुए देन आपको 10,000 स्टेप्स ऐड करने पड़ेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। और साथ में फुल बॉडी वर्कआउट भी आपने ऐड करना है जस्ट एक माइल्ड लेवल पे, ज्यादा कोई हाई इंटेंस एक्सरसाइज आपने नहीं ऐड करनी। एक्सरसाइज और साथ में डाइट, ये दोनों चीजों से आप सारी चीजें ठीक कर लोगे आई एम श्योर। सो दैट्स इट, ये था मेरा डाइट प्लान। अगर आप भी चाहते हो भी आपके गोल के हिसाब से मैं कोई स्पेसिफिक डाइट आपके लिए प्लान करूं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपने करना क्या है, आपने जस्ट कमेंट करना है या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, पर करना क्या है आपने मुझे अपनी एज हाइट वेट और गोल सेंड करना है और साथ में अपना वेकअप टाइम स्लीप टाइम और वर्क शेड्यूल। जितनी ज्यादा डिटेल शेयर कर पाओगे उतना मेरे लिए इजी होगा आपका डाइट प्लान करना। और जैसे ये वीडियो मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन करके बनाई वैसी मैं आपके ऊपर सेम बनाऊंगा, आपके डाइट प्लान को प्रॉपर एक्सप्लेन करके एक वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ ऐसी शेयर करूंगा, उससे आप जल्दी समझ पाओगे। ये थी मेरी वीडियो, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और उनके साथ भी शेयर करना जो लोग ये प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, आई होप उनको डेफिनेटली ये वीडियो देखने के बाद कुछ हेल्प होगी। So that's it. Thanks for watching. मिलते हैं next video में।